सो गाइस माय नेम इज महेश चव्हाण द मुस्टाश टैटूज ओनर एंड आज का जो एपिसोड है आज स्पेशली एज अ लाइन वर्क के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो टैटू आर्टिस्ट है, आई गेस बिगिनर आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, उन लोगों में बहुत सारे लोगों का ना लाइन वर्क जो होता है वो शार्प नहीं आता। तो आई गेस जो वीक पॉइंट है एज अ लाइन वर्क का, लाइक जिनका लाइन वर्क इतना शार्प नहीं आता, इसका वीक पॉइंट एज अ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर अच्छे से आप निभाते नहीं हो। तो आज वही आज ग्रामर में जो बताने जा रहा हूं, आज तीन पार्ट में हम ग्रामर डिवाइड करते हैं एंड देन गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके देन फर्स्ट है प्रैक्टिस ऑन पेपर, राइट। जितने भी आप वार्म अप करते हो, आएंगे रेगुलर जैसे स्क्रिबल वगैरह करते हैं, इससे आपके हैंडलिंग जो है, हाथ का जो वेटनेस है, राइट, ये जो स्मूथनेस है, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका ग्रिप है ना सिर्फ इतना ही घूमता है, सिर्फ इतना, प्रॉपर नहीं घूमता, ये जो होता है वो प्रॉपर नहीं घूमता। इसकी वजह से आपकी जो लाइंस होती है वो आप प्रॉपर यहाँ तक ही मारते हो, राइट। बट इसकी वजह से जो मतलब स्मूथनेस है एंड देन प्रॉपर मूवमेंट है, इसकी वजह से आप लाइन ये यहाँ तक मार सकते हो, राइट। फिर वो ट्राइबल टैटू हो या नेम टैटू हो, राइट, तो आई गेस बेटर है कि आप वार्म अप करते हो, राइट, देन स्क्रिबल 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 स्क्रिबल। मैंने जानबूझ के मशीन ली है, राइट, एज ए वेट, थोड़ा सा हैवी वेट है, एज ए कॉइन मशीन है। किसी को रोटरी मशीन भी यूज करने की आदत होती है, राइट, तो रोटरी मशीन यूज कर सकते हैं, कॉइन मशीन यूज कर सकते हैं। देन ग्रिप मैंने थोड़ी हल्की यूज की है, तो आपको किसी को मतलब ग्रिप थोड़ा सा वेट वाला यूज करना अच्छा लगता है, राइट। आई गेस बेटर है कि पेंसिल डाल दो या नॉर्मली पेन डाल दो। पेंसिल बेटर है क्योंकि आप शेड भी कर सकते हैं इससे, राइट, लाइनों से डॉट 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 पे, राइट, फिर एकदम प्रॉपर क्लिक क्लिक, राइट, लाइन स्ट्रॉन्ग जहाँ पे चाहिए आपको, रिदमिक लाइन, डार्क लाइन डार्क लाइन डार्क लाइन डार्क लाइन लाइन। तो अब बॉटम टू टॉप, राइट, अच्छा स्पेलिंग थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ, देन बेटर रहेगा, राइट। देन यहाँ पे होगा लाइट टू डार्क, राइट। सो फर्स्ट टॉप, यहां से टॉप स्टार्ट करना है, देन लाइन कंटिन्यू स्ट्रेट मारनी है, यहाँ पे खत्म। फिर से एक या दो mm का गैप रख के फिर से लाइन मारनी है, वो भी स्ट्रेट। फिर थर्ड, फिर से लाइन मारनी है, ऐसे आपको मिनिमम 10 पेजेस कंपल्सरी एज अ वन डे ओनली, राइट। फिर से बॉटम, यहां से बॉटम टू टॉप, फिर से बॉटम टू टॉप, फिर से बॉटम टू टॉप। जितना प्रैक्टिस करोगे, आई गेस इसके भी 10 पेजेस कंपलसरी करना है, आई गेस बेटर है। जब तक मैं सिर्फ 10 पेजेस नहीं हो रहा, जब तक आपके आउटलाइन, जब तक आपका कंट्रोल है वो तब तक आता नहीं है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। देन इससे आपकी लाइन की क्वालिटी जो है, जो स्ट्रेंथ है, राइट, किसी की इसका प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेक होती है लाइन, ऐसी कंट्रोल नहीं होती है, कभी कभी मतलब लाइन टेढ़ी मेढ़ी आती है, ऐसी आती है, राइट, स्ट्रेट करते करते थोड़ी सी शेक होती है। तो आई गेस ये नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है बॉडी का वो प्रॉपर इसके अंदर आ जाएगा, एंड देन बहुत ज़्यादा मतलब आपको लाइन की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर शार्प हो जाएगी। तो बेटर है कि आप ये करते रहो। देन लाइट टू डार्क, तो फिर वो लाइट टू डार्क ऐसे हो चलेगा, लाइट मिडल एंड देन डार्क, लाइट मिडल देन डार्क, फिर से डार्क मिडल लाइट डार्क मिडल देन लाइट। आई गेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हर चीज में यूज होता है, जैसे पोर्ट्रेट टैटू हो, रियलिस्टिक कोई भी टैटू हो, इस चीज में ये लाइन हमेशा यूज होती है। ये हमें ट्राइबल टैटू, नेम टैटूज, बहुत सारे लाइन वर्क जो होते हैं इसके लिए यूज होते हैं, राइट। तो ये हमेशा यूज करो, हमेशा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा जिनको भी लाइन प्रॉपर करनी है तो आई गेस ये प्रैक्टिस करो। आज कोई भी प्रिंट लो, कोई भी लेटर लो, कोई भी कैलीग्राफी लो,
या कोई भी टाटू लो या कोई भी डिजाइन लो, आज टाटू डिजाइन या कोई भी आपको जो पसंद है, आगे इंटरनेट से आपको जो पसंद है वो कर ले लो डिजाइन, एंड देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आज मशीन लेना है, मशीन में पेंसिल रखनी है या पेन रखना है या मार्कर रखना है, योर विश। क्योंकि हमें सिर्फ कंफर्टेबल, आई गेस हमें सिर्फ ये जो वेट है मशीन का वो हमें सिर्फ कंट्रोल करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि इसकी वजह से ही हमेशा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है, इसकी वजह से लाइन स्ट्रेक हुआ मतलब शेक होती है ऐसी, तो वो नहीं होगा। तो आई गेस बेटर है कि पहले प्रैक्टिस करो, कंट्रोल करने की आदत डालो, एंड फर्स्ट डाल दिया, उसके बाद प्रॉपर लाइन, आगे जितनी प्रॉपर, जैसे टाटू में जैसे लाइन मारते हो वैसी ही लाइन मारनी है। फिर ऐसा समझो जैसे फायर या नाइन आर एम लाइन है, डिपेंड योर विश कि आपको कौन सी लाइन मारनी है, तो वैसा पेन लो, वैसा मार्कर लो। जैसा अभी मुझे नाइन आर एम की लाइन मारनी है, तो मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे अच्छे से कैमरा में, राइट? स्ट्रेट, अभी जो थिकनेस है लाइन का वो हमेशा हमें रखना चाहिए, क्योंकि किसी हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डार्क किया फिर लाइट हो जाती है लाइन, फिर से लाइट हो जाती है, फिर से डार्क हो जाती है, ऐसा ना हो। ये सिर्फ पोर्ट्रेट में हो जाता है, ये सिर्फ पोर्ट्रेट या रियलिस्टिक वर्क का जो लाइन होती है ये होती है। आप वहाँ पर रियलिस्टिक वर्क में आप डायरेक्ट आउटलाइन नहीं मार सकते कहाँ पर। मेन मतलब बैलेंस इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बैलेंस हो रहा है कि एक बार चेक करना है, क्योंकि आप प्रॉपर बैठे हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अनकंफर्टेबल जगह पे आप बैठे हो देन टैटू या डिज़ाइन या प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉट गो रहा सीरियसली, उसकी वजह से आपका बैक पेन भी हो सकता है। फेक स्किन पे आ गए, ये तो आपको पता ही है कि कहाँ मिलते हैं, राइट? एज अ सप्लायर शॉप में, एज अ टाटू सप्लायर, अगर गूगल पे आप सर्च भी करोगे एज अ टाटू सप्लायर, तो वहाँ पे आपको स्किन पैड के नाम से मिल जाता है, आर्टिफिशियल स्किन पैड, राइट? सो जो भी आप स्किन पैड पे यूज़ करते हो तो वैसे एंडी तो वैसे भी लगानी ही होती है, राइट? तो एंडी लगा दो, एंड देन उसके बाद क्योंकि क्लीन करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो एंडी लगाओ एंड देन प्रैक्टिस करो। सिर्फ वन स्ट्रोक मारना है तो फिर जो भी है, और जब मशीन पकड़ोगे तो ओवरऑल 45 डिग्री, लाइन की प्रैक्टिस, लाइन 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 जो थिकनेस है लाइन के वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंट्रोल करना तो वही होता है। देन शार्पनेस, ये जो शार्पनेस होता है, ये जो शार्पनेस है, आप ऐसे करोगे शार्पनेस तो नहीं आएगी शार्पनेस, राइट? पर आप जब आप ऐसे करोगे शार्पनेस देन यहाँ पे छोड़ दिया एंड देन यहाँ से फिर से स्टार्ट करके जहाँ पे आपको शार्पनेस चाहिए देन कंटिन्यू।
ऑलरेडी वो शार्प होता है नाइट, सो वही करना है। एंड देन क्लीन करते वक्त एएनडी ज़्यादा यूज़ करो तो प्रॉपर क्लीन होता है राइट। ये ऑलरेडी मैंने मेरे एपिसोड में बोला है जो हाउ टू इम्प्रूव योर टैटूइंग स्किल, तो वो एपिसोड देख लेना अच्छे से राइट। किसी को स्टेंसिल करने की आदत होती है, स्टेंसिल करके टैटूइंग करने की आदत होती है राइट, प्रैक्टिस करने की आदत, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टेंसिल यूज करो। सो बॉटम टू टॉप राइट, और नीडल वैसे भी स्किन के अंदर, रियल स्किन के अंदर 1 mm से ही, 1 mm से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए राइट। सो टॉप टू बॉटम फिर से राइट, तो फिर से एएनडी लेना है क्योंकि नॉर्मल हम अच्छे से क्लीन करेंगे तो वैसे भी नॉर्मल अच्छे से क्लीन नहीं होता, तो आगे से एएनडी लोगे ऐसे लोशन वाइज तो अच्छे से क्लीन होता है राइट। ये तो ऐसा आर्टिफिशियल की खासियत है, आपकी लाइन जहाँ पे खत्म होती है, जैसे एग्जाम्पल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मारनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मार दो तो एंडी लगा दो राइट। बहुत थीन लगाना है, थिक नहीं लगाना है, हाथ स्लिप हो जाते हैं राइट। ये हाथ से कंट्रोल करना है लाइन को, ये जो उंगली है ये पूरा बेस है, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो लाइन प्रॉपर नहीं आएगी। आप ऐसे काम करोगे तो पूरा जो जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा गैप यहाँ पे पूरा वेट हो जाता है राइट। आफ्टर 5 आवर्स के बाद आप टैटूइंग करना बंद करोगे राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होता है राइट। बेटर है कि आप सपोर्ट लो अच्छे से, हाथ को अच्छे से सपोर्ट दो एंड देन स्टार्ट करो लाइन राइट। फिर वो 45 डिग्री 90 डिग्री कैसी भी लाइन मार सकते हो राइट। कंट्रोल करना आना चाहिए एज अ लाइन वॉक राइट, मशीन प्रॉपर राइट। देन एग्जाम्पल ओके, यहाँ पे हमने रोक दिया, फिर से अभी मुझे ये लाइन कंटिन्यू यहाँ पे फिर से करनी है राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर से यहाँ पे आए वही प्रेशर देके कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं लाइन, फिर से रोका, फिर से आप यहाँ पे पीछे जाओ, फिर से कंटिन्यू करो, देन आपकी लाइन प्रॉपर आती है राइट। आपको यहाँ पे कहाँ भी ऐसा लगता नहीं गैप आया है लाइन में राइट, इसकी वजह से क्योंकि हमने फिर से लाइन थोड़ी पीछे लेके गए और फिर से स्टार्ट किया। बट बहुत जन लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं देन यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी वजह से ये जो डॉट है ये हमेशा आता है। इसका रीजन यही है क्योंकि ये रॉन्ग है लाइन मारना, तो हमेशा ये गलती मत करो, थोड़ा सा पीछे जाओ लाइन करते वक्त, देन फिर से पीछे जाके लाइन स्ट्रेट करो, तो आपकी लाइन प्रॉपर डार्क आएगी एंड देन प्रॉपर शार्प आएगी। करो उसको अच्छे से, थोड़ा पीछे जाना है, शार्प करना है क्योंकि शार्पनेस हमेशा ऐसी आती है राइट। शार्पनेस हमेशा ऐसी रखी है, तो ये शार्पनेस है, आप शार्पनेस ऐसे नहीं कर सकते, स्ट्रेट लिया देन ऐसे किया, इट्स रॉन्ग, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डॉट नहीं आता, नहीं शार्प होता है यहाँ पे, कैसे शार्प होता है हर चीज राइट। ये पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है, रॉन्ग है, ये सही है। तो आई गेस जब भी आप करोगे तो दोनों को भी ज्वाइंट करने कहाँ पे, तो प्रॉपर ज्वाइंट करो अच्छे से, अच्छा प्रॉपर ग्रामर राइट। सो एंटी लेना है,
incline proper. मेन मतलब मेरा कंफर्टेबल, आई गेस मशीन ने कैसे पकड़ा पकड़ा है मैंने, एंड देन मैंने ये जो उंगली है ये सब कुछ, ये उंगली काम करती है मेरा, ये सब कुछ कंट्रोल जो है मेरा मशीन का जो कंट्रोल है ये सारा एक उंगली काम करते हैं। मैं मतलब यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से बेस लिया, देन ये लिया, देन ये लाइन में यहाँ से मार सकता हूँ, इतना इतनी बड़ी लाइन मार सकता हूँ, राइट। तो ये सारी मशीन ये सारे एक छोटी उंगली करती है क्योंकि एज अ प्रॉपर कंफर्टेबल होता है, राइट। अभी मैं यहाँ से फिर से ऐसी नहीं मारूंगा लाइन क्योंकि मुझे यहाँ पे शार्प चाहिए, तो मैं हमेशा पीछे से जाऊंगा लाइन, और यहाँ पे शार्प करूंगा, तो ये होता है लाइन। थर्ड स्टेप प्रॉपर एंड, क्योंकि जब वाइप करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। कभी भी यहां से स्टार्ट ना करो, इससे बेटर है कि आप यहां से स्टार्ट करके आपको लाइन प्रॉपर दिखती है, स्टेंसिल प्रॉपर दिखती है कि कहां तक खत्म हो रही है, यहां से आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देन ये भी अच्छा है, ऐसा मीन कि नहीं करना, बट जैसे कंफर्टेबल, जितना आप कॉन्फिडेंस रहोगे मैंने वोल्टेज है जो 9 पे रखा है क्योंकि रोटरी ऑलरेडी मुझे हार्ड स्ट्रोक बहुत पसंद है, तो मैंने 9 पे रख के मैं लाइन मारा, और मैंने ऑलरेडी जो फायर है निकल दी है। आपको कंफर्टेबली दिखना चाहिए कि लाइन आपके हैंड जो बेस है वो हमेशा प्रॉपर हो, सपोर्टिव हो हमेशा। अब यहाँ से आप लाइन मार सकते हो, यहाँ से नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थिन चाहिए, तो मैं थिन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, देन थिन ठीक 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 करके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे शार्प चाहिए तो मैं पहले यहाँ से लूँगा लाइन, एंड देन फिर शार्प कर दी, राइट। तो यहाँ पे शार्प हो रहा है, और यहाँ से फिर से मैं रिटर्न जाऊंगा, यहाँ पे मुझे फिर से थिन लाइन चाहिए, तो मैंने थिन लाइन फिर से मारी, थोड़ा मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, देन फिर से ठीक कर सकता हूँ, राइट। तो वैसे कर सकते हैं, ठीक थीम ठीक थीम, जैसे अभी यहाँ पे ठीक हुआ फिर से थीम किया, देन ठीक हुआ फिर से थीम किया, यहाँ पे इक्वली लाइन सेम लाइन क्वांटिटी जो है लाइन की वो सेम है क्वालिटी, तो वैसे क्वालिटी देख सकते हो। तो मैं जस्ट वराइटी दिखा रहा हूँ यहाँ पे टैटू की, मैं यहाँ से नहीं मारूंगा, मैं पहले यहाँ से ब्रेक करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, अभी इतनी बड़ी लाइन है तो मैं डिवाइड करूंगा मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी स्ट्रोक मारनी है, आप उसको ब्रेक करके भी लाइन मार सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे शार्प चाहिए तो मैंने सिर्फ हल्का सा लाइन किया है, मैंने प्रॉपर नहीं किया, पहले लाइट ड्रॉइंग किया है मैंने, लाइट ड्रॉइंग करने के बाद इसको प्रॉपर एक कॉन्फिडेंट लेवल पे लाइन फिर से दबा दिया, राइट।
फिर से मैं थोड़ा सा पीछे आया एंड देन वही लाइन कंटिन्यू की। और स्पेशली मैंने मतलब आपके लिए ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये कार्टून सिलेक्ट किया है अंदर ये चंदन के ऊपर, जैसे मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, मैं उसके ऊपर टैटू कर रहा हूँ स्पेशली फॉर यू जो लोग देख रहे हैं मेरा ट्यूटोरियल, क्योंकि मैं क्लाइंट के ऊपर ऐसे समझा नहीं सकता राइट कि ये लाइन ऐसी मारनी चाहिए, ये लाइन वैसी मारनी चाहिए, बट चंदन इज गुड आर्टिस्ट। फिर से मैं पीछे आऊंगा लेकिन लीडर उतनी रख रहा हूं, बस थोड़ा सा यहां से बोल्ड करूंगा, ब्रेक ब्रेक लाइन करते 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 मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आगे की लाइन दिख रही नहीं है तो मैं 100% में ब्रेक ब्रेक करके ही जाऊंगा। देन ये हो गई ठीक लाइन, वो भी प्रॉपर लाइन ठीक। देन आज के एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि आप रेगुलर अच्छे से ग्रामर फॉलो करेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 एज अ ग्रामर प्रॉपर बताया है कि बेसिक टू
बेसिक टू लाइन प्रॉपर राइट, कि बेसिक लाइन कैसे बनाते हैं एंड देन प्रॉपर प्रोफेशनल लाइन कैसे बनाते हैं राइट मिडल डार्क राइट, ये अच्छे से मैंने डिवाइड किया है। देन फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि प्रैक्टिस ऑन पेपर, आगे जितने आप कंटिन्यू 10 डेज मिनिमम आप प्रैक्टिस करोगे एज ए पेपर पे एंड देन उसके बाद 10 डेज आप प्रैक्टिस ऑन स्किन पैड पे एज ए नेचुरल आर्टिफिशियल स्किन पैड पे आप काम करोगे एज ए 10 डेज कंटिन्यू देन एनीथिंग जैसे डिजाइन हो नेम टैटूज हो या समथिंग कुछ क्रिएटिव डिजाइन हो आपकी स्पेशल आपकी खुद ने क्रिएट किए हुए डिजाइन हो देन प्रैक्टिस करते रहो देन आपकी लाइन जो है वो शार्प होती जाएगी। देन रियल स्किन पे आप आफ्टर 10 या 20 डेज के बाद आपको रियल स्किन पे काम करना है तब जाके आपको फर्क पड़ेगा। देन रेगुलर जितना वार्म अप कर सकते हो लाइन वर्क के लिए, जितना आप फ्री कर सकते हो, जितना आप प्रॉपर स्टेबल रख सकते हो अपना हाथ, क्योंकि किसी किसी का हाथ शेक होता है राइट, सो बेटर है कि आप जितना स्टेबल करने की कोशिश करोगे तब जाके मजा आएगा। देन गाइस आज का एपिसोड बस इतना ही, देन जो भी नए वीडियो जो भी मतलब पहली बार ये नया वीडियो देख रहे हैं देन मैं यही बोलूंगा उनके लिए कि मैं आर्ट रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, टैटू ट्यूटोरियल बनाता हूँ राइट, टैटू ब्लॉग्स बनाता हूँ, ड्राइंग ब्लॉग्स बनाता हूँ। सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करो एंड कमेंट करो एंड देन कंपल्सरी शेयर करना आपको ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो आपने तो देखा है राइट, तो बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट है जो उन्होंने देखा नहीं है वीडियो, सो गाइस प्लीज हेल्प करो उनके लिए क्योंकि मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आई गेस बेटर है कि आपके लिए कर रहा हूँ सब कुछ तो आप भी उनके लिए करो क्योंकि आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जो टैटू आर्टिस्ट है सो उनके लिए शेयर करो एंड देन कमेंट करो एंड देन